हेलो दोस्तों, जी सी डी से मीडिया। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज अपन किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग जो बाइक आ रही है 100 350, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें कितने वेरियंट आ रहे हैं, कलर ऑप्शन क्या क्या मिल जाएंगे, और उसमें स्पेशल क्या आ रहा है, और प्राइसिंग क्या रहेगी, और लॉन्च डेट कब की है, कब आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में दिखेगी। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो के साथ आप लोग बने रहे। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में जो 100 की इमेज दिखा रहा हूँ वो एक एक्सक्लूसिव इमेज है, वो अभी तक YouTube में कहीं पर भी आपको नहीं दिखने वाली। तो दोस्तों, आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हंटर में आपको इंजन मिलने वाला है सेम रिबॉर्न और मीटियोर वाला, जिसका मैक्सिमम पावर आपको मिलने वाला है 20.4 PS का 6100 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क रहेगा 27 Nm का 4000 RPM पे। और इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम लेके आ रही है रॉयल एनफील्ड, वो आपको मिल जाएगी इसमें बॉस का 12 जनरेशन। ये ब्रेकिंग सिस्टम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितनी भी है वो अभी कोई यूज नहीं कर रहा है, वो फॉरेन की बाइक्स में जरूर आपको मिल जाएगा, बट रॉयल फिर फर्स्ट टाइम इन इंडिया मतलब ब्रेकिंग सिस्टम ये लेके आ रही है हंटर 350 के साथ। और इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS का मिल जाएगा। अगर इसके एग्जॉस्ट की बात करूं तो एग्जॉस्ट नोट का भी मैं एक छोटा सा क्लिप आपको आपने सुनी लिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो मतलब थोड़ा दम्पी है, बट उसकी जो साइज है वो बहुत मतलब छोटी ही करती है बाइक। और बाइक की अगर लुक्स की मैं बात करूं, अब आप एक बार इमेज देख सकते हो, मतलब ये मतलब ऐसी लग रही है बाइक दिखने में कि मतलब जो डुकाटी की आती है स्कैम्बलर, मतलब सेम वही साइज कर रखी है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट। मतलब जो कम हाइट वाले जो लोग हैं उनके लिए बाइक एकदम परफेक्ट है। अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको 1,70,000 से लेके 1,90,000 तक की मिल जाएगी। इसमें दोस्तों रॉयल एनफील्ड लेके आ रहा है 3 वेरिएंट, रेट्रो, मेट्रो और मेट्रो रिबल। रेट्रो में दोस्तों आपको स्पोक व्हील मिलने वाले हैं, और मेट्रो में आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे। सिर्फ यही डिफरेंस होने वाला है, और कलर्स का थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। टोटल आपको इसमें 8 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, इसमें अगर मीटर कंसोल की बात करूं तो मीटर कंसोल आपको सेम जो रॉयल एनफील्ड की अभी रिसेंटली बाइक लॉन्च हुई स्क्रैम 411, सेम आपको वही मीटर कंसोल मिलने वाला है। दोस्तों, अगर बाइक के लॉन्च डेट की मैं बात करूं तो ये 7 अगस्त को लॉन्च होने वाली है, बट एशिया में सबसे पहले लॉन्च होगी ये थाईलैंड के अंदर, और मे भी दिवाली तक इंडियन मार्केट में भी ये बाइक आ जाएगी। तो दिवाली तक का वेट करते हैं इस बाइक का। बाकी आप मेरे को इमेजेस देख के बताइए कि मतलब आपको जो एक्चुअल एक्सक्लूसिव जो इमेज मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, एक बार वापस देख लीजिए, मतलब आपको इमेज देख के बाइक कैसी लग रही है। मैंने तो देखो इसको लाइव देखा, क्योंकि ये मैंने ही इमेज क्लिक की थी, मैं कहीं पर गया था तो मेरे को ये बाइक दिख गई, तो वहाँ पे मेरे को तो बस देखने में ही लगी डुकाटी की जो स्क्रैम्बलर आती है, मेरे को तो सेम वही फील आ रहा है। मतलब ठीक है, जो लो बजट की अगर रॉयल एनफील्ड ऑन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही सही प्राइसिंग में ये बाइक आ चुकी है। मतलब जिनकी हाइट कम है, जिनका बजट कम है, तो वो लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ कर दी रॉयल एनफील्ड ने। मतलब एकदम कॉम्पैक्ट बाइक है, आप चाहे इस पर टूरिंग करो, चाहे आप इसको सिटी राइड में यूज़ करो, मतलब ये हर पर्पज से परफेक्ट बाइक है। तो आप देखते हैं, दिवाली तक का वेट करते हैं कि दिवाली तक ये बाइक आ जाए। दोस्तों, 100 350 में आपको हेडलाइट और टेललाइट दोनों ही LED मिलने वाली है, और हजार सिस्टम भी बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपको अलग से नहीं लगवाना पड़ेगा। और बाइक के जो ब्रेक लीवर और जो क्लच लीवर है वो आपको सेम आपको मीटियोर वाले ही मिलने वाले हैं, और जो स्विचेस हैं वो भी मीटियोर के ही रहेंगे, तो मतलब थोड़ा प्रीमियम फील देते हैं, और काफी अच्छे स्विचेस यूज कर रही है रॉयल एनफील्ड, तो वही आपको सेम मिलने वाले हैं। बट बाइक को कर दिया कॉम्पैक्ट और लुक्स थोड़े छोटे कर दिया, और सारे जो रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक आती है जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेटल पार्ट यूज होते हैं, बट इसमें वो चीजें नहीं मिलने वाली आपको, इसमें फाइबर पार्ट काफी यूज होने, जिससे कि बाइक का वेट भी काफी कम हो चुका है। तो क्रॉस कटिंग के लिए कंपनी को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको अगर सारा मेटल का दे दिया तो फिर वही है, वापस वही 2-2.5 लाख रुपए तक का हो जाता है इसका प्राइस। बट क्रॉस कटिंग और जिसका बजट नहीं होता है उनके लिए ये बाइक स्पेशली डिजाइन की गई है, इसलिए आपको इसमें फाइबर पार्ट्स ही मिलने वाले हैं। दोस्तों, हंटर 350 का सीधा सीधा कॉम्पिटिशन होने वाला है TVS की जो रिसेंटली बाइक लॉन्च हुई है रॉनिन, उसके साथ, क्योंकि रॉनिन और हंटर दोनों ही डेली कम्युनिटी के लिए बाइक बना रखी है। तो मतलब अब तो देखो मार्केट में एक बार दोनों बाइक्स रनिंग में आए, उसके बाद में ही पता चलने वाला है कि कौन किसको बीट करती है और किस बाइक को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। देखो, रॉनिन तो लॉन्च हो चुकी है तो लोग उसको काफी पसंद भी कर रहे हैं, अब हंटर का इंतजार है। जैसे ही हंटर भी रोड्स पे आ जाएगी तब एक्चुअल पता चलेगा कि कौन सी बाइक किसको कम्पीट करती है या किसको बीट करती है। तो देखते हैं, वेट करते हैं 7 अगस्त के बाद का। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखो। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।